संसद के मानसून सत्र का 11 अगस्त को आखिरी दिन समाप्त हुआ, लेकिन आखिरी दिन भी संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। आखिरी दिन विपक्ष के दो नेताओं को निलंबन का सामना करना पड़ा, पहले कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी और दूसरे आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को निलंबित किया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने संसद परिसर में जोरदार हंगामा किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया। मोदी जी ये संविधान के तहत सदन चलाना नहीं चाहते और जो रूल्स रेगुलेशन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जितने भी रूल्स है उसको अलग रख के आज वो हर मेंबर को धमकी दे रहे हैं और हर मेंबर को सस्पेंड करके, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सस्पेंड करके प्रिविलेज कमेटी को भेजा जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पे फारूक अब्दुल्ला ने भी खेद जाहिर किया। मुझे सख्त अफसोस है कि एक अच्छे मेंबर को इन्होंने आखिरी दिन सस्पेंड किया, बहुत अफसोस। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के स्पीच को सर, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे? इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के निलंबन पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि बीजेपी वाले इतना झूठ बोलते हैं और इतनी बार बोलते हैं कि वो एक समय के बाद सच लगने लगता है। मूल मंत्र है रिपीट अ लाई 1000 times एंड इट बिकम्स द ट्रूथ। एक असत्य को, झूठ को 1000 बार बोलो और 1000 बार वो सच्चाई में तब्दील हो जाएगा। इस मंत्र के तहत मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार और एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि न जाने कौन सा फर्जीवाड़ा हो गया, कौन से जाली दस्तखत हो गए। वहीं संसद के आखिरी दिन सरकार ने कई सारे नियमों और कानूनों में बदलाव किया, जिसमें खास महिलाओं के प्रति अपराध के कानूनों को सख्त करना है। रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड, तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाइल का हो चाहे महिलाओं की चेन का हो, कोई प्रावधान नहीं था। बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी, स्नेचिंग का प्रावधान भी नहीं था। अब स्नेचिंग का भी प्रावधान ले। तो उधर राहुल गांधी ने एक बार फिर मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री सदन में हंस रहे थे लेकिन हिंसा पर एक्शन नहीं लिया। बलात्कार हो रहा है, मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को दो घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बता दे, 10 अगस्त को पीएम मोदी ने लोकसभा में करीब 130 मिनट का भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने मणिपुर पर भी बातें की थी लेकिन उस समय विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया था।